बात करते हैं, अगर मोदी और राहुल गांधी में से चुनने को बोला जाए तो आप किसको चुनोगे? एकदम सरल सी बात है, मोदी को चुनेंगे। मोदी को उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बेटियों के लिए। तो क्या क्या अच्छा लगता है मोदी में आपको? सब कुछ ही अच्छा है, मतलब वो सबकी हेल्प करते हैं और काफी कुछ सुविधाएं मिली हैं उनके आने के बाद, नई टेक्निक। राहुल गांधी में क्या कमी है? वो काफी टाइम से थे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी हमारे देश में, कुछ भी नहीं था, मतलब जो सब अपने मन का करते हैं। नहीं, राहुल गांधी को आपने डिनाई कर दिया, तो राहुल गांधी में क्या कमी लगती है आपको? कमी नहीं है तो मतलब कुछ अच्छा भी नहीं है, मतलब पप्पू कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बट कुछ इम्प्रूवमेंट अगर जनता को खुशी नहीं है, जनता को अच्छा। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ राहुल गांधी में बस कमी कमी है, कमी कमी है। मोदी जी ने कितना कुछ किया, ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, बाहर भी पॉलिटिक्स बहुत। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी कहना चाहूंगी मोदी जी ही बेस्ट है और कोई नहीं, राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी में क्या क्या कमी लगती है? सब कुछ कमी उनमें, अच्छा क्या है, इतना अच्छा विंक करते हैं वो। मोदी जी भी अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल अपना अच्छा लगता है। राहुल गांधी तो मोदी जी को चोर बोलते हैं, तो क्या राहुल गांधी को चोर है? पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू, उसने पॉलिटिक्स संभालने का इतना तजुर्बा नहीं है कि वो पॉलिटिक्स संभाले जितना मोदी जी को। वो इतनी सारी लड़कियां पप्पू कह रही हैं उसको, बेचारे की शादी भी नहीं हो रही, तो इसीलिए तो पप्पू है। आपकी सलाह पहले शादी करें, संभाले। अच्छा, राहुल गांधी जो संसद में इशारे करते हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो बस इशारे करते हैं, झूठे इंसान लगाते हैं मोदी को गलत ठहराने के लिए, बट 2019 का जो चुनाव है उसमें किसके टेंपो में सवार होंगे आप, मोदी या राहुल गांधी? मोदी ऑफ कोर्स। अच्छा, क्यों क्यों अच्छा लगता है मोदी? बेटियों के लिए बहुत किया उसने, और हमारे बहुत अपग्रेड किया, और हमारे जीडीपी में भी बहुत फर्क पड़ा है।